एक लड़की है जो शायद यहाँ पर काम करती है। ये देखिए बिल्कुल नया, ये अभी अभी कलेक्ट हुआ है। वो जिनका मोबाइल 2 दिन पहले खो गया था। ये भी देखिए। बेचारी ने तुम्हें भला समझकर तुम्हें जेल से छुड़वाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके पीछे पड़ जाओ। आंटी आंटी, हे भगवान, एक तो भला करो और ऊपर से आंटी सुनो, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ। आप कितना बोलती है ना। मैं कितना बोलती हूँ, क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? ये भागता कितना है, मैं बोलती ज्यादा हूँ और ये भागता ज्यादा है। कमाल, थैंक यू बोलने गया था और गालियां सुन गया। ऑटो ले लूंगी यहाँ से, और वैसे भी किसी ना किसी दिन तो मुझे सब अकेले करना सीखना होगा ना। सिया बेटे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इस तरह से। लेकिन मैं भी क्या करूँ, फैमिली क्राइसिस है, मेरा काम खत्म होते ही मैं कार भेज दूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं आपको फोन करती रहूंगी। और अगर ऑटो ना मिले तो टैक्सी ले लेना, और हाँ पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। ओके आंटी, बाय। ऑटो ऑटो। ऑटो ऑटो भैया 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 रुको 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 भैया, टेक्सटाइल मिल से आना। नहीं मैडम, शाम के टाइम इधर से उस तरफ कोई नहीं जाएगा, आप रोड को उस तरफ से ट्राई कर लो। घबराइए मत, आइए आइए।